हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर। बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस अभी बच्चों को कॉल कर रहे हैं कि आप हमारी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लो, हमारे कॉलेज में एडमिशन ले लो, ठीक है। आपको सीईटी के एग्जाम की जरूरत नहीं है, आपको सीईटी के रिजल्ट की जरूरत नहीं है, ठीक है। बिना सीईटी में आपके अगर 20% भी है तो भी हम आपको एडमिशन दे देंगे। बहुत सारे आपको कॉल आते होंगे और आपसे पैसे मांगते होंगे, ठीक है। तो उसके उनको कैसे डील करना है, इस वीडियो में हम बात करेंगे। एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ, लास्ट ईयर से अभी आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है, आ गया। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनके कम परसेंटाइल आएंगे, ठीक है, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनके ज्यादा परसेंटाइल आएंगे, ठीक है। तो अगर आपके कम परसेंटाइल भी है या फिर आपके ज्यादा परसेंटाइल भी है, ठीक है, अगर आपके कम परसेंटाइल है तो आपको अभी ये नहीं भूलना है कि आपने अभी तक आधा ही काम हुआ है, आपका आधा काम अभी भी बाकी है। अगर इसमें आपने अच्छा परफॉर्म कर लिया तो आप एक महाराष्ट्र के बेस्ट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। वो चीज होती है आपकी कॉलेज लिस्ट। कॉलेज लिस्ट बहुत अच्छे से बनानी है आपको, ठीक है। 450 कॉलेजेस की आइडिया नहीं है, मैं जानता हूं आपको 450 कॉलेजेस की आइडिया नहीं है, ठीक है। तो किसी और से बना लो जिसको है, तो वो जो लोग हैं वो हायर किए हैं, ठीक है, वो ऐसे काउंसलर से जिन्होंने लास्ट ईयर सीयूपी विजिटर वाचन पीआईसीटी वीआईटी के जिसमें इन सारे कॉलेजेस में बच्चों को भेजा है, ठीक है, एक बेस्ट कॉलेज लिस्ट बना गया। और ऐसे भी बहुत सारे बच्चे थे जिनके बहुत अच्छे परसेंटाइज थे, न्यूटन एडुकेटर्स की बात कर रहा हूं मैं, बहुत अच्छे परसेंटाइज थे फिर भी अच्छे कॉलेजेस में नहीं जा पाए। वो एक ही चीज अच्छे से गलत कर दी, वो है लास्ट टाइम पे उन्होंने अच्छे से कॉलेज लिस्ट नहीं बनाई। तो ये गलती आप मत कर देना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी है, जल्द से जल्द करना, बहुत कम दिनों के लिए वो ऑन रहेगा फॉर्म। जो प्राइवेट कॉलेजेस की बात कर रहा था यार, बहुत सारे मुझे आज ही एक बच्चे ने बोला कि सर हमें ऐसा ऐसा एक कॉल आ रहा है जो कि हमसे 2 लाख रुपए मांग रहे हैं और 2 लाख के बदले हमें वो इस कॉलेज में एडमिशन करा देने वाले। मैं उस कॉलेज को एक्सपोज नहीं करूंगा यार, जब टाइम आएगा मैं कर दूंगा, ठीक है। अभी मुझे लगता है कि आपको सावध होने की जरूरत है, आपको सतर्क होने की जरूरत है, ठीक है, ना कि वो कॉलेज को एक्सपोज करके वो एक कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट करूं, वो नहीं करना है। जब टाइम आएगा, एक लिमिट क्रॉस हो जाएगी, तब तो एक्सपोज करूंगा ही। लेकिन आपको अगर ऐसा कुछ भी कॉल आ रहा है कि इतने पैसे दे दो हम आपका एडमिशन करा देंगे, ठीक है, तो इन सब चीजों के ऊपर आपको ट्रस्ट नहीं करना है। आपका पैसा 1 रुपया भी नहीं देना है उनको, ठीक है। और दूसरी चीज, यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, महाराष्ट्र में बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज अभी होगी, वहां पे आपको फीस बहुत ज्यादा पे करनी पड़ती है, 10 से 12 लाख रुपए आपको पे करने पड़ते हैं। तो आपको देने हैं क्या वो 10 से 12 लाख रुपए? अगर आपके सीटी में बहुत कम परसेंटाइल आ रहे हैं, कॉलेज जाओ, उस जिस कॉलेज में आपको, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आपको खुद को विजिट करना है, उनके टीपीओ से मिलो, ठीक है, प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर से मिलो, वहां पे उनको पूछो कि इनका हाईएस्ट पैकेज कितना है, लोवेस्ट पैकेज कितना है, एवरेज पैकेज कितना है। आपको पूछना है प्लेसमेंट परसेंटेज क्या है कॉलेज का। अगर 500 बच्चे हैं तो 500 में से 50 बच्चे अगर प्लेस हो रहे कॉलेज में तो कुछ कॉलेज में जाके कोई फायदा नहीं। प्लेसमेंट परसेंट उनको पूछो, अगर 70-80% से भी ज्यादा का प्लेसमेंट रेशियो है उनका तो वहां पे आपको एडमिशन लेना है, ठीक है। तो आपको बहुत सारे लोग बोलेंगे कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में मत लो, हाँ ले सकते हो आप, ऐसा नहीं कि सारे फ्रॉड होते हैं, ऐसा नहीं। पहले जाओ वहां पे, देखो आपको क्या क्या चीजें आपको वहां पे अच्छी लग रही है, ठीक है, वो एरिया कैसा है कॉलेज का, ठीक है, फैकल्टीज कैसे है, यूजीसी अप्रूव्ड है या नहीं कॉलेज, ये सब चीजें आपको देखनी है। अभी फंस मत जाना, एक बार आप फंस गए तो 4 साल आप निकल नहीं सकते कॉलेज से, ठीक है, क्योंकि आपकी फीस अटक जाती है, डॉक्यूमेंटेशन अटक जाते हैं, आपको फीस पूरी पे करने बोलते 4 साल की, उसके बाद आपके डॉक्यूमेंटेशन मिलते हैं। तो इस चीज पे आपको फोकस करना है, ठीक है, अभी ये गलती मत कर देना। तो यही सारी चीजें थी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज यार, आप सब लोग फिजिक्स वाला को जानते होंगे, अलग सर को जानते होंगे, मैं खुद उनसे पढ़ा हूं, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट उनसे पढ़े होंगे। फिजिक्स वाला एक एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे जिसकी 4.8 से भी ज्यादा की रेटिंग है और जेई नीट बोर्ड एनडीए कॉमर्स के फील्ड में वो एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। जेई में 16,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है, क्लियर किया है जेई में इसकी एग्जाम, ठीक है, 2021 में, ठीक है। और इनके पेड फ्री कंटेंट भी है और पेड कंटेंट भी है, फ्री कंटेंट आज भी अवेलेबल है उनका फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। और जो पेड कंटेंट है वो 99 रुपीज से 4200 तक उनका अवेलेबल है, जो कि बहुत रिजनेबल है यार, इतने कम प्राइस पे आपको कहीं पे मार्केट में आज तो नहीं मिलता, ठीक है। फिजिक्स वाला पे प्रयास 3.0 बैच लॉन्च हो रही है जिसमें आपके टॉप फैकल्टीज होंगे, ठीक है, पढ़ाने के लिए। ये बैच स्पेशली ड्रॉपर्स बच्चों के लिए जो 2023 में जेई देना चाहते हैं, अपने आप को इंजीनियर देखते हैं अभी से, उन बच्चों के लिए है, ठीक है। यहाँ पे आपके टॉप फैकल्टीज, टॉप मटेरियल आपको मिलेगा, 6 क्लासेस आपकी होने वाली है, ठीक है। इसमें आपको जो कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है उसके बारे में आपको जानना होगा यार। यहाँ पे आपको प्रयास 2.0 का भी मटेरियल मिलेगा,
प्रयास 1.0 का भी मटेरियल मिलेगा और साथ ही साथ ड्रॉपर्स बैच जो है जेई 2023 की उसका भी आपको मटेरियल मिलने वाला है। तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है, आपको जरूर इस चीज का लाभ उठाना चाहिए जो 2023 में जेई देने वाले आप में से बहुत सारे बच्चे ड्रॉपर्स होंगे, ठीक है। और टीचर्स डे के अवसर पे फिजिक्स वाला एप्लीकेशन पे बहुत सारे ऐसे कोर्सेस है जो कि बहुत कम प्राइस में आपको मिलने वाले हैं, बहुत ज्यादा वहां पे आपको ऑफ मिलने वाला है, 15 सितंबर तक ही ये ऑफर है। तो आपको जल्द से जल्द जाके अगर आप इंटरेस्टेड हो तो परचेस करना है आपको, ठीक है। आपको मेरा कोड जरूर यूज कर लेना है YS150 ताकि आपको एक और बेनिफिट मिल सके, ठीक है। 150 रुपीज का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा प्लस, तो जरूर कीजिए ये चीज।